एक बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे आप इसके साथ में खाना खाएं या खाने के साथ में इसे खाएं, दोनों तरह से ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही चटपटी दही वाली मिर्चें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और ये एक बहुत पुरानी रेसिपी है जिसे कि मेरी मम्मी भी बनाया करती थी, और बहुत ही आसान है। बस 2 चम्मच तेल डाला पैन में, उसमें डाल ली 1 चम्मच राई, और फिर डाल दी थोड़ी सी हल्दी, और डाल दिया 2 चम्मच धनिया और कटी हुई मिर्चें, ये अचार वाली मिर्चें धो के और डंठल काट के मैंने 1 की 2 कर ली। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देना है, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ये अचार वाली मिर्चियों हैं बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, तो इन्हें थोड़ा सा चटपटा करने के लिए इसमें लाल मिर्च का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। अब अच्छे से इन मिर्चों को हम चलाएंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मिर्चों में अंदर तक पहुंच जाए। जब मसाला ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, तेल हमने ज़्यादा डाला ही नहीं है, अब इसे थोड़ा मॉइस्चर देने के लिए, और हमें क्योंकि थोड़ी देर इन्हें कुक भी करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना है, अब हम इसमें डालने वाले हैं मेन इन्ग्रीडियंट, जो कि है 1 चम्मच अमचूर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नमक उसी रेशियो में कम कर लें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आप उसे बैलेंस कर लें। यदि आप अमचूर डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, और यदि आप इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा कम पड़ेगा। और अब डाल देते हैं इसमें 1/2 कप दही। अब मिर्चों को अलट पलट करके अच्छे से चलाएंगे ताकि दही भी मिक्स हो जाए सारे मसालों के साथ में। और इसके बाद में हमें इसे थोड़ा सा मिर्च को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए ढक कर के कुक भी करना है, हालांकि हम केवल 2 ही मिनट के लिए कुक करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट अभी रह गया है, वो है सौंफ पाउडर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सौंफ पाउडर। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बैलेंस हो जाएगा एकदम, इसका तीखापन जो है वो थोड़ा सा स्वीटनेस में बदल जाएगा, और हमारी मिर्च बहुत ही चटपटी और टेस्टी हो जाएंगी। ये मिर्च एक बार ज़रूर बनाइएगा, और कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये मिर्चें 100% बहुत अच्छी बनने वाली हैं, और जो भी खाएगा वो ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हेल्दी कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें।